अच्छे, और ये है 60 रुपए केजी, इसमें हल्का सा कड़वापन होता है जो कि मेरी फेवरेट है। और ये कैसे है? 35 रुपए पैकेट। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये वाला जो जोड़ होता है, इस जोड़ को इस जोड़ से मिलाएंगे और इसको लाइक समथिंग ऐसे आपको करना है। और अगर ये टूट गया तो ये कागजी है, नहीं टूटेगा तो। और ऐसे पैकेजिंग भी मिलेगी, आप अपने स्टिकर लगा के अपनी शॉप से सेल आउट कर सकते हो। 60 पीस 180 के। वैरायटी भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है और सबके प्राइस भी अच्छी है। और ये कैसे रुपए केजी है? 160। अनियन का ऐसे ये बॉक्स ले सकते हो। कितना है इसमें? तो मवाना शुगर आपको यहाँ पे 40 मिल जाती है, 400 रुपए का आधा किलो का, 50, 60, 70, 80। और ये सही होता है सर? सांगर मिल जाएगा आपको 840 रुपए, सौंठ मिल जाएगी 380, धनिया आपको मिल जाएगी 200। इस शॉप से ले सकते हो करेले का, बांस का, कटल का और जिंजर का, तो बहुत सारे आपको अचार में। सो ऐसे प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सुमन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस मार्केट में आना चाहते हैं तो चावड़ी बाजार नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वैसे आप सदर बाजार चांदनी चौक से भी आ सकते हैं। पूरी डिटेल आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। अभी मैं चावड़ी बाजार से आई हूँ, गेट नंबर 1 से भी आप एग्जिट ले सकते हैं, गेट नंबर 2 से आएंगे तो इस साइड से आएंगे, तो दोनों ही तरफ से आपको रास्ते मिल जाते हैं। तो चलिए, पूरी डिटेल तो आपको एंड में देने ही वाली हूँ मैं, बट अभी चलती हूँ इस गली में, बताशे वाली गली में, और आपको दिखाती हूँ कि फेस्टिव सीजन में आप यहाँ से क्या क्या ले सकते हो और किस किस प्राइस पे ले सकते हो। ये है फर्स्ट स्टॉल जहाँ पे आपको चीनी के अलग अलग वेरायटी मिल जाएगी। मुरमुरे आपको यहाँ पे 30 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाते हैं। चीनी की बात करें तो चीनी धामपुर डबल रिफाइंड आपको 42 रुपये पड़ती है। चीनी मवाना शुगर 40 रुपये केजी के हिसाब से पड़ती है। बूरा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन अगर क्वांटिटी लेना चाहते हैं तभी इस मार्केट में आए, क्योंकि हमारे नियर बाय भी 40 रुपये केजी ही मिलती है चीनी, 40 या 45 रुपये। तो सिर्फ 5 रुपये बचाने के चक्कर में आप उतना ही किराया भर देंगे, तो बेटर रहेगा जब बहुत सारी क्वांटिटी लेनी हो तभी इस मार्केट में विजिट करें, या आपके अगर कोई शॉप वगैरह है तो आप इस मार्केट में आ सकते हो। बाकी यहाँ बात करें बताशे की, तो आपको बताशे 60 रुपये मिलेंगे। कैसे है? कैसे है? 60 रुपये किलो। सो गाइस, ये है बताशे और ये है 60 रुपये केजी। और डायमंड मिश्री भी आपको यहाँ मिलेगी 55 रुपीज। ये बूरा है दोनों सर? एक बूरा आता है जिसको हम चाय में भी डाल सकते हैं, वो कौन सा होता है? हाँ जी, देसी खांड बोलते हैं। देसी खांड, हाँ हाँ, तो आप रखते हैं देसी खांड? कैसे रुपए केजी होती है? 55 रुपए किलो। अच्छा, धागे वाली मिश्री। और कैसे रुपए केजी देते हैं? 80 रुपए किलो। सो गाइस, यहाँ पे धागे वाली मिश्री मिलेगी 80 रुपीज केजी। मैंने अभी एंटर किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फर्स्ट सेकेंड शॉप ही मिलेगी। और यहाँ पे साबुन सर्फ वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी थोड़ा सा बताशे वाले की तरफ चलते हैं। बताशे के साथ साथ आप यहाँ पे हींग भी ले सकते हो। ये सब हींग की वैरायटी है ना? कैसे पैकेट रुपए देते हो? 35 रुपए पैकेट। अच्छा, ये 60 रुपए, ये 25 रुपए पैकेट। तो सब हींग की वैरायटी अलग अलग है, तो फिर खुशबू की वजह से किस तरह लेंगे? अलग अलग कंट्री का होता है। अच्छा, 100 ग्राम 150 का, ठीक है। शॉप नंबर 6295 है, वरुण और निशान ट्रेडर। और अगर हींग की वैरायटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हींग मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और खुशबू की बात करें तो दूर से ही खुशबू आ रही है हींग की। और ये सेम था वो वाला? नहीं, ये लोअर क्वालिटी। अच्छा, ये लोअर क्वालिटी, मतलब क्वालिटी भी आपके पास अलग अलग मिल जाएगी। हाँ, तो लोअर क्वालिटी भी मिल जाएगी और थोड़ा सा अच्छी रेंज लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। अच्छा, 35,000 पर केजी की हींग अवेलेबल है। अच्छा, और ये क्या रखा हुआ है आपने इसमें? डिब्बी है। अच्छा, डब्बी है। और ये पूरा पैक देते हैं? 80 रुपीज। तो 80 रुपीज का ये पूरा पैक मिलेगा जिसमें 10 बॉटल्स हैं। ये 6 डेज आप आ सकते हैं इस मार्केट में, बाकी संडे ऑफ होती है। और यहाँ पे धूप वगैरह भी, गूगल वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएगी ना, सारी आइटम मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। ये इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल है, जब भी इस मार्केट में आए शॉप नंबर 6295 में हींग के लिए आप विजिट कर सकते हो, हींग की डिफरेंट वेरायटी आपको मिल जाएगी। इस मार्केट से आप रिटेल में होलसेल में डील कर सकते हो, ले सकते हो, बट ऑनलाइन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी शॉप पे आपको ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे विजिट करना ही पड़ेगा। कैसे देते हैं आप सर? 50 रुपए 60। अच्छा, 50, 60, 70, 80। और ये सही होता है सर? ठीक होता है। और साबुन भी लूज दे देते हैं ना, मतलब किलो के हिसाब से? अच्छा, ये रे, हाँ, हैंड वॉश के लिए। अच्छा, ये हैंड वॉश के लिए। कैसे रुपए केजी होते हैं? कोई 100 है, कोई 120 है, कोई 150 है। ओके, ठीक है। सो गाइस, शॉप नंबर 6065 मतलब 6065 में मैं अभी खड़ी हूँ, जहाँ पे आपको सोप की वैरायटी मिलेगी। केजी के हिसाब से सोप ले सकते हैं, शैम्पू के पाउच, शैम्पू सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
और ऐसे पैकेजिंग भी मिलेगी, आप अपने स्टिकर लगा के अपनी शॉप से सेल आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो इस बार मार्केट पहुंचने का एक बैड एक्सपीरियंस ये रहा क्योंकि काफ़ी रश था और वो लोग कस्टमर अटेंड कर रहे थे तो मुझे अटेंड नहीं कर पाए वो लोग, तो कुछ कुछ प्राइजेस नहीं बताए हैं, तो आप वीडियो एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ वो देख लीजिएगा। उसमें आपको एक एक शॉप की डिटेल भी मिलेगी, एड्रेस भी मिलेगा और विद कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। तो कहाँ से टॉफीज लेनी है, कहाँ से धूपबत्ती लेनी है, कहाँ से बताशे लेने हैं, वो ओवरऑल उस वीडियो में मैंने बताया है। इस गली की पूरी डिटेल बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखें। और ये जो मेरे हैंड में दिख रहे हैं ये 60 पीसेज हैं और आपको पड़ने वाला है 180 रुपीज़ का। सो फ्रेंड्स, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैंने वीडियो कवर की और आपको ऐसे ही रेट्स बता दिए। तो ये वाली जो आप मेरे हैंड में देख रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सौंफ दिख रहे हैं, इसका प्राइस मुझे उन्होंने नहीं बताया, तो इसीलिए मैं आपको गलत सलत नहीं बताने वाली हूँ। बट हाँ, पहले वाली वीडियो देखेंगे तो ये टॉफी कैंडी वाली वही शॉप है जो मैंने उस वीडियो में दिखाई है, जहाँ पर ये वाले सारे पैकेट्स मिल जाते हैं आपको, सौंफ की डिफरेंट वेराइटी मिल जाती है। तो इसके लिए आप मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें अगर इससे रिलेटेड कुछ आइटम अगर लेना चाहते हैं तो। सो ये लुक है बताशे वाली गली का। आप हर एक शॉप पे आप देख रहे हैं 2 से 3 कस्टमर खड़े हैं और इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, बट क्योंकि जब वीडियो शूट करने जाऊँ तो थोड़ा सा अटेंड नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ कस्टमर की वजह से। तो चलिए देखते हैं कोई खाली शॉप और उसमें चलते हैं और वहाँ की वेराइटी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताशे वाली गली में आपको मुरब्बे वाली एक ही शॉप दिखेगी जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मुरब्बा दिख जाएगा, प्लस एज वेल एज पिकल भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अचार की वेराइटी भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है और सबके प्राइजेस भी है। इसे डेला बोला जाता है ना, तो ये कितने के जी का लीजिए? 200 रुपये। तो ये डेले का अचार होता है जो मैंने बहुत खाया है, 200 रुपये के जी है। और प्लस ये अचार तो आप सब जानते हैं, मिक्स है, मैंगो है। और ये वाली कौन सी मिर्ची है? हरी मिर्ची। अच्छा, हरी मिर्ची है। और ये कैसे रुपये के जी है? 160। एक मीठा अचार भी आता है नींबू वाला? अच्छा अच्छा, ये वाला। और ये कैसे है? 180। और ये सब किस चीज़ का? अच्छा, आम का है। विदाउट ऑयल 100 रुपीज के जी। ठीक है। सो गाइस, अभी मैं खड़ी हूँ 6077 शॉप नंबर में और क्रिस्टल अचार मुरब्बे की ये शॉप है। पूरी मार्केट में मुझे इकलौती ये शॉप दिखती है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ मुरब्बा ले सकते हो और अचार की वैरायटी भी आपको यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती है। तो आंवले का मुरब्बा कितने रुपए के जी हो जाता है? 160। मतलब 100 से लेके 200 तक के बीच में सारे रेट्स हैं, है ना? ठीक है। और अच्छा, 160 है। और ये क्या है? अनियन है। ये सिरके वाले? अच्छा, बट सिरके वाले तो लाल हो जाते हैं ना? नहीं, डालना। अच्छा, सो सिरके वाले अनियन का ऐसे ये बॉक्स ले सकते हो। कितना है इसमें? हाफ के जी। और 40 रुपीज? तो 40 रुपीज का ये हाफ के जी है, तो आप ये वाली चीज आइटम भी ले सकते हो। बाकी मुझे यहाँ पे ना जिंजर भी दिख रही है और ये भी अलग अलग टाइप की लग रही है। सो गाइस, अभी जो मैंने आपको वैरायटी दिखाई है अचार और मुरब्बे की, ये शॉप नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। जब इस मार्केट में आएंगे तो इस शॉप पे जरूर विजिट करें। बाकी 15 केजी तक आप यहाँ पे कोई भी आइटम ले सकते हैं। हाँ, एक आइटम। तो सर, जैसे अभी रिटेल प्राइस बताया है तो इसमें होलसेल में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा? ठीक है, तो डिफरेंस गाइस आपको मिलेगा होलसेल रेट में और बाकी वैरायटी आपको यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएगी। तो ये एग्जैक्ट शॉप की लुक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली 6 की जितनी मोस्टली मार्केट लगती हैं खारी बावली के आसपास, वो सारी दिखाने वाली हूँ, जिसमें से फर्स्ट है बताशे वाली गली। तो ये तो मैं अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ, फिर मैं आपको लेके चलूँगी खारी बावली और वहाँ पे क्या क्या मिलता है वो भी सब बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, बिल्कुल स्किप नहीं करना वीडियो को, काफ़ी कुछ आपके लिए रह जाएगा देखने के लिए। नेक्स्ट शॉप पर आई हूँ, मवाना शुगर, वही 40 रुपीज़ हैं। तो काफ़ी सारी आपको ऐसी ही शॉप मिलेगी जहाँ 40-45-42 रुपये के हिसाब से शुगर मिलती है। तो आगे हूँ मैं नेक्स्ट स्टॉल पे, जहाँ पे आपको मोटी इलायची की वैरायटी मिल जाएगी। ये 1000 रुपए किलो के हिसाब से है और बाकी आप क्वांटिटी थोड़ी कम भी ले सकते हो, मतलब 250 ग्राम भी आपको दे देते हैं। इसमें भी आपको थोड़ी बहुत डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी, कोई 1000 है, कोई 1100 है, कोई 1200 है, बट उसमें साइजेस का फर्क आता है, छोटे या बड़े का। और यहाँ पे चिप्स वगैरह भी मिल जाते हैं आपको। तो ये वाले जो कलरफुल आप देख रहे हो ये 160 रुपए के केजी के हिसाब से हैं, 160 रुपए किलो। और ये भी वेफर की तरह ही लगते हैं तलने के बाद, बट ये कलरफुल हैं, इम्पोर्टेड चिप्स बता रहे थे भैया। जो येलो वाले हैं साथ में ही, वो आपको मिलेंगे 80 रुपए केजी के हिसाब से। कैसे रुपए केजी है ये भैया? 70 रुपए केजी आपको बताशा मिल जाएगा यहाँ पर। और गांठ वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री, धागे वाली है ना, कितने रुपए केजी होती है?
हाँ जी, अच्छा 70 रुपए किलो ही है। ओके, कितने कितने का देते हो भैया ये? कितनी होती है इसमें? 170 इसमें है और 100 रुपए का है। कोई भी ले लो, अलग अलग है। अच्छा ये 40 का है, कुछ 60 के हैं और ये नॉर्मल 100 का आधा किलो है इसमें। अच्छा आधा किलो का 35 रुपए का। और एक ही मुझे कैंडी दिख रही है ये वाली, ये 50 रुपए का आधा किलो का। 50 रुपए का आधा किलो का जो संतरे वाली गोलियां आती है वही है क्या? बस कलरफुल। अच्छा ये, अच्छा अच्छा ये आपको मिलेंगी खाली संतरे में। ये 1 kg का पैकेट है। कितने का पड़ता है ये? 100 का। और इसमें आप मिक्स फ्लेवर ले सकते हो 1/2 kg का, और ये 50 का है ना? ठीक है। सो बताशों के अलावा भी आपको इस मार्केट में ना कैंडीज टॉफीज की वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है, और आपको बिस्किट्स वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये कितने रुपये देते हो ये वाला? 6 पीस 230। सो फ्रेंड्स, अभी जिस शॉप पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे आपको बताशे तो नहीं मिलने वाले हैं, ना आपको ड्राई फ्रूट मिलने वाले हैं, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स मिल जाएंगी यहाँ पे। और पूरी गली में इकलौती ऐसी शॉप है जहाँ पे आप ये वाली वैरायटी ले सकते हो। ये सारी जितनी आप देख रहे हो ये कैंडल्स हैं। इसे क्या बोला जाता है सर? डिफ्यूजन। अच्छा डिफ्यूजर। ओके, सो ये सेरेमिक डिफ्यूजर है और ये भी आप ले सकते हो। और इसमें जो ऑयल वगैरह यूज होता है तो इसमें भी वो मिल जाते हैं, जैसे ये लेमन ग्रास है तो इसमें अच्छा डिफरेंट फ्रेग्रेंस मिल जाती है। ठीक है, ये कितने का पड़ता है जस्ट इसका? ब्लू का बता दीजिए आप। 150 का। और ये अलग, इसकी अलग कॉस्ट है ना? ठीक है, तो ये 125 का। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनके पास साइजेस भी आपको अलग मिल जाएंगे डिफ्यूजर में। और ऑयल की बात करें तो सारी फ्रेग्रेंस आपको यहाँ पे मिल जाती है, और पूरी गली में आपको एक ही ये वाली शॉप मिलेगी। सर शॉप नंबर बता दीजिए। 6093। अभी जो आपने कलेक्शन देखी है कैंडल्स की, ये शॉप इनकी, ये शॉप नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। तो जब भी इस मार्केट में आए शॉप पे जरूर विजिट करें, किंग कैंडल्स के नाम से इनकी शॉप। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, ये राजस्थानी सब्जियां हैं भैया बता रहे हो, ये 720 rupees kg है, कैर के नाम से है। यहाँ पे सांगर मिल जाएगा आपको 840 rupees, सौंठ मिल जाएगी 380, धनिया आपको मिल जाएगी 240, लाल मिर्च आप ले सकते हो 380, साबूदाना 140। ये कुट्टू का आटा जो हम खाते हैं व्रत में, ये वही है क्या कुट्टू का? ये वही कुट्टू गिरी है, तो कुट्टू गिरी आपको मिल जाएगी 140। और हल्दी आप यहाँ पे ले सकते हो 160 rupees kg। तो गाइज, अभी जो मैंने वैरायटी दिखाई थी आपको राजस्थानी वाली, वो है 6105 शॉप नंबर है। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। ये दालचीनी है, ये 700 rupees kg के हिसाब से मिलेगी। लौंग आपको यहाँ पे 1400 मिल जाएगी, मोटी इलायची भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, काली मिर्च मिल जाएगी। और सर किसी को पानी चाहिए होता है तो दे देते हैं, मतलब 250 ग्राम। अच्छा दे देते हैं। ओके, तो ये कैसे देते हैं? 120 ग्राम 1200 rupees kg। ओके, काली मिर्च भी बताई दीजिए हम। 780 rupees kg। तो काली मिर्च काफी अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रही है, 780 rupees kg के हिसाब से मिलेगी। मसाले आप यहाँ पे बहुत सारे ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। और बादाम कैसे देते हैं? 760 rupees। सर थोड़ा तेज बोलना। 760। और ये वाली गरी मेरी फेवरेट है, बिकॉज ये थोड़ी कड़वा होता है, ये वही है ना कड़वे गुलबंदी। अच्छा ये गुलबंदी है जिसमें हल्का सा कड़वापन होता है, जो कि मेरी फेवरेट है। और ये कैसे है? 820 रुपए पर केजी के हिसाब से। बाकी यहाँ पे आपको पिस्ता भी मिल जाता है, बहुत सारी वेरायटी मिल जाएगी, इलायची भी मिल जाएगी छोटी इलायची। तो जब भी आए 6105 शॉप नंबर में विजिट करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉल पे आप देख रहे हैं खजूर की वैरायटी, जिसे डेट्स भी बोला जाता है। और ये डिफरेंट वैरायटी के खजूर आपको इस मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। यह इसकी जो रेंज है 230 रुपये से लेकर 900-950 तक जाती है, डिपेंड के क्वालिटी आप कौन सी ले रहे हैं, कौन सी कंट्री के ले रहे हैं। इसमें कुछ गुलाब जामुन टाइप खजूर हैं और जिनके नेम अलग अलग हैं, मरियम खजूर हैं, तो ऐसे नेम वाइज इन्होंने अलग अलग इनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। आप इनमें से लूज भी ले सकते हो, इनके सामने पैकेट्स बने हुए हैं, आप वो भी ले सकते हो। तो जब भी इस मार्केट में जाएं ज़रूर लें। और ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं गाइज, मैंने खा के देखे थे,
बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बट हाँ क्वालिटी बेस्ड ही है चीज़ें, तो आप अच्छी क्वालिटी का लेके आप आए तो आप खाने में भी टेस्ट आएगा और सेहत भी बनी रहेगी आपकी। तो मैंने आपको खजूर की और हींग की वैरायटी दिखाई है, ये शॉप नंबर है 6099। तो जब भी आप इस मार्केट में आए इस शॉप पे जरूर आ सकते हैं खजूर की वैरायटी के लिए। बाकी मैं लेके चलती हूँ आपको खारी बाबली। कैसे रहे? 160 रुपए। तो ये साबुदाने के छोटे छोटे से चिप्स बने हुए 160 रुपए केजी है, और अभी व्रत चल रहे हैं तो आप ऐसी वाली आइटम भी ले सकते हैं इस मार्केट से। ये आलू के चिप्स हैं, है ना? अच्छा 240 रुपए आपको ये आलू के चिप्स मिलेंगे, जो भी व्रत में यूज कर सकते हो। और बाकी मैक्रोनी वगैरह पास्ता वगैरह ले सकते हो, 60-80 रुपए केजी के हिसाब से होता है। और ये चावल वाले दिख रहे हैं मुझे, साबुदाना चिप्स। अच्छा ये साबुदाना, साबुदाना के बड़े चिप्स भी ले सकते हो, 200 रुपए केजी के हिसाब से। तो गाइस बताशी वाली गली में आई थी यहाँ से, और अब मैं आ चुकी हूँ। ये देख लीजिए, खारी बाबली वाला रोड है और यहीं पे मिलती है आपको ये वाली शॉप। मतलब एंट्री करेंगे तो खारी बाबली की तरफ से तो स्टार्टिंग में ही पड़ेगी ये वाली शॉप। और बाकी चिप्स की वैरायटी देखूं तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट भी है और सबके कलरफुल भी है। व्रत में खा सकते हैं। और ये कैसे रुपए केजी होता है? 200 रुपए। तो 200 रुपए केजी के हिसाब से ये साबुदाना वाला है। ये वैसे आपको 12 महीने ही मिलेंगे, और जरूरी नहीं है कि व्रत में, बाकी डेज में भी आप आके ये ले सकते हो। तो अभी जो जिस शॉप की मैंने वैरायटी दिखाई है, शॉप नंबर है 6100, और गली बताशे वाली, यहाँ पे आप मंगोड़ी और बहुत सारी आइटम मोगली भी ले सकते हो, प्लस चिप्स की वैरायटी तो आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलेगी। अभी जो मैंने आपको वैरायटी दिखाई थी पापड़ की, ये है इनकी शॉप नंबर, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। संडे ये शॉप ऑफ होती है, मंडे टू सैटरडे आप विजिट कर सकते हो। सुबह 10-11 बजे मार्केट लग जाती है। शाम को कितने बजे तक लगती है? 7:30 बजे तक आपको ये शॉप खुली मिलेगी। वैरायटी ऑफ पापड़ डिफरेंट आप यहाँ पे बढ़िया ले सकते हो, और चिप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये है खारी बाबली का रोड, और यहाँ पे ये भैया बैठते हैं जिनके पास कमल गट्टा मिलता है। कमल गट्टा बोलते हैं ना उसे, तो कमल गट्टा मिलता है। अभी इनके पास है नहीं, बाद में आएगा। और बाकी यहाँ पे आप लहसुन ले सकते हो, कच्ची हल्दी, वो कच्ची हल्दी है ना, कच्ची हल्दी ले सकते हो। ये जम्मू का लहसुन होता है जो गठिया के लिए बहुत यूज होता है, दर्द के लिए। इसको छील के सुबह निरन्या खाना होता है, मतलब खाली पेट खाना होता है, ऐसे ही है ना। और बाकी सेकंड आप जो देख रहे हो वो बीपी और शुगर कंट्रोल के लिए होता है, और थर्ड आ है वायबादी और गैस के लिए। 100 का 100 ग्राम है, कोई 100 का 250 ग्राम है, तो मतलब अलग अलग प्राइजेस है। तो जब भी आप आए तो इस स्टॉल पे जरूर विजिट करें। फ्रूट कैंडी हो गया ना, ओके। तो कितने का देते हो ये? 730 रुपए का। सो अभी जो मैं खड़ी हूँ खारी बाबली में, और यहाँ पे ना ये वाली जो पैकेजिंग वाली आइटम है ना, जो गिफ्ट पैक वाले, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ये मुरब्बा मुझे दिख रहा है इसमें, ये अलग अलग मुरब्बा है, मिक्स मुरब्बा। तो कितने का पड़ता है, उठा लो? अच्छा 1.5 किलो का 600 रुपए की प्लेट पड़ेगी, जिसमें आपको मिक्स मुरब्बा मिलेगा, और 900 ग्राम के 380 रुपए की। तो ऐसे वाली पैकेजिंग भी आप ले सकते हो, बाकी प्लेट वाला भी ले सकते हो। ये वाला अच्छा, ये मिक्स फ्रूट है, ये होल वाला। कौन से वाला? होल वाला, अच्छा साबुत। अच्छा और ये कैसे रुपए, कितने पर? सो गाइस अभी मैंने आपको कैंडी दिखाई थी ये वाली, और वो दिखाया था ड्राई फ्रूट मुरब्बा, और ये हो गया आपको मिलेंगे पूरे साबुत फ्रूट, मिक्स फ्रूट होते हैं इसमें बहुत सारे। और ये 700 की बता रहे हैं आप, 750 रुपए की ये थाली मिलेगी। और ये भी 1.5 किलो की है, 1 किलो। और ये आंवला कैंडी है ना, जो आंवला कैंडी है, आंवला मुरब्बा आपको मिलेगा, मुरब्बे भी अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये बता दीजिए आंवला का मुरब्बा कितने का मिलता है? 230 का। अच्छा 900 ग्राम है, ठीक है। ये किस चीज का? गाजर का। अच्छा ये एप्पल का है। गाजर का कितने रुपए? ये है 300 का मिलेगा, बिना वर्क का 200 का मिलेगा। बाकी बहुत सारी गिफ्ट वाली आइटम मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत प्यारी प्यारी, जो अभी मैंने बॉक्स दिखाया था, आप स्क्वायर में भी बॉक्स ले सकते हो। ये क्या नीचे क्या? ग्रीन वाला ग्रेन्स का जो होता है। तो इसमें सारी ग्रेन्स है अलग अलग, और ऐसे वाली पैकेजिंग भी आप ले सकते हो। ये है 375 रुपए। और इसमें बात करें तो इसमें सनफ्लावर सीड्स भी हैं, काजू भी हैं, आपको अलग अलग फूड वो मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट, अलसी वगैरह भी मेरे ख्याल से इसमें है, तो आप ये ले सकते हैं। कितने का पड़ता है? 675 का, क्योंकि ये वाली आइटम थोड़ी महंगी ही आती है। 500 रुपए। अच्छा ये 550 का, 750 ग्राम है, 550 रुपए का।
भाई ये शॉप नंबर है हर नारायण गोकुलचंद के नाम से है। बाकी अभी क्योंकि संडे ये बंद रहती है, दशहरे के बाद ये संडे को भी खुलेगी शॉप। तो अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हैं तो आप 7 डेज कभी भी आ सकते हो। सर मॉर्निंग में कितने बजे खुल जाती है? 10:30 और इवनिंग में 7:30। मॉर्निंग का टाइम है 10:30 तक आप यहाँ पे पहुंच जाओ, शॉप ओपन मिलेगी आपको। 7:30 तक आप बहुत प्यारी सी ये ड्राई फ्रूट्स और ये सारी आइटम ले सकते हो। बाकी पिकल वगैरह भी यहाँ पे काफी सारे मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने निकलवा लिया है बहुत सारे अचार बाहर ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए कौन कौन सी है। तो इसकी बात करें तो ये बांस का है अचार जो कि पड़ने वाला है आपको 265 रुपए केजी के हिसाब से। इसे क्या बोला जाता है? ये बांस का मुरब्बा है, ये स्वीट में है, ये 260 रुपीज पड़ेगा। ये डेले का अचार है 336 केजी। ये कटल का अचार है जो कि बहुत रेयर मिलता है और ये 175 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये लहसुआ है, ये राजस्थानी में यूज किया जाता है ज्यादातर, ये 208 रुपए है। और बात करें कमल ककड़ी जिसे भे भी बोला जाता है, ये मिलेगा आपको 175 रुपए। मतलब ये वाली जितनी आइटम है ना जो अचार की मैं वो दिखा रही हूँ जो आपको नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलती है। और ये है करेले का अचार जो कि मैं अभी टेस्ट भी करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसा है, मतलब खाने में आपको कैसा लगेगा। बाकी आप यहाँ पे जिंजर पिकल भी ले सकते हो, 265 रुपीज केजी है। और यहाँ पे करौंदे का पिकल मिल जाएगा जो कि 175 है। इसके अलावा भी बहुत सारी आइटम्स हैं और ये सारा मिक्स अचार है। तो आप अगर अलग अलग ना लेके आप एक लेना चाहते हो तो ये सारा अचार आपको एक में भी मिल जाएगा। और ये 180 रुपीज केजी है। किसी को हाफ केजी के लिए तो दे देते हैं 500 ग्राम। अच्छा तो 250 ग्राम भी आप यहाँ पे अचार ले सकते हो ये सारा। सो फ्रेंड्स वीडियो तो मैंने बना ली है और अब मैं आपको ये टेस्ट करके बताने वाली हूँ क्योंकि करेले का और बांस का मतलब बहुत कम लोगों ने टेस्ट किया होगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसा है इसका टेस्ट और जब आप इस मार्केट में आएंगे तो ये वाले अचार भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये है बांस का अचार जो कि मैं खा के टेस्ट बताने वाली हूँ कि आपको कैसा है ये टेस्ट। मतलब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये है करेले का और करेले का क्या टेस्ट आने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें कड़वापन है या नहीं है? बहुत अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा सा टेक्सचर चेंज है बट अच्छा लग रहा है अचार। तो आप ये वाला अचार भी आज इस शॉप से ले सकते हो, करेले का, बांस का, कटल का और जिंजर का। तो बहुत सारे आपको अचार में यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ और वैरायटी। सो वीडियो शूट करने के चक्कर में और अचार टेस्ट करने के चक्कर में मेरा फास्ट था जो कि उस दिन टूट गया सिर्फ अचार की वजह से। तो उसके लिए एक लाइक और कमेंट जरूर करना गाइस। फ्रेंड्स अभी जो मैंने वैरायटी आपको दिखाई है मुरब्बे के अचार की वो ये शॉप नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। जब भी आप इस मार्केट में आए शॉप पे जरूर विजिट करें। कॉर्नर पे शॉप है, काफी बड़ी है, आपको बहुत दूर से ही दिख जाएगी। शॉप नंबर 6678 है, खारी बावली की है। तो ऐसे आइटम्स के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी आम पापड़ वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अभी मैं खड़ी हूँ खारी बावली में और खारी बावली के बहुत सारे स्टॉल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट सारा ही मिल जाएगा, मखाने से लेके अखरोट गिरी तक भी मिल जाएगी। जब मखाना आपको 500 रुपए के जी मिल जाएगा। बादाम की बात करें तो बादाम 600 से लेके 750 रुपए तक की रेंज में मिल जाएंगे। संडे टू संडे आप कभी भी आओगे स्टॉल यहीं पे मिलेगा। बाकी जो भी मैंने वैरायटी आपको यहाँ दिखाई थी ना ये वाली, इनके अपोजिट में ही लगता है स्टॉल। सो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताशी वाली गली के खजूर की आइटम दिखाई थी जो डिफरेंट टाइप ऑफ खजूर वहाँ पे मिल जाते हैं, कॉर्नर की शॉप थी। बट अगर आप खारी बावली में भी आएंगे ना तो आपको काफी सारी शॉप्स ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो देख लीजिए एक ही वाला स्टॉल है जो कि ये खजूर का है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ड्राई फ्रूट का है, नेक्स्ट भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये ऐसे पूरी लेन ही बनी बनाई मिलती है। बट अभी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ मिनिमम से मैक्सिमम रेंज आपको ये वाली मिल जाती है। प्राइजेस जो मैंने पहले बताए थे वो सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 900, 500, 600 केजी के हिसाब से मिल जाता है। प्लस आम अगर आम पापड़ की वैरायटी भी मिल जाती है। और ये कितने का देते हो आम पापड़? ये 50 रुपए। 50 रुपए का, ठीक है। स्टॉल जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, काजू, किशमिश, अंजीर, बादाम, पिस्ता, बहुत कुछ डिफरेंट मिल जाता है। किशमिश कैसे देते हो? 260 रुपीज केजी के हिसाब से आपको किशमिश मिलेगी। काजू की बात करें तो काजू भी आपको यहाँ पे साबुत वाला मिल जाता है। अच्छा 840 रुपीज, मतलब 840 रुपए आपको ये मिलेगा काजू। बादाम में तो अलग अलग वैरायटी है तो सबके रेट अलग अलग होते हैं। 640, 680, 720, मतलब 600 से लेके 800 तक के बीच के रेट्स आपको मिलेंगे, है ना। अगर पिस्ता की बात करें तो पिस्ता
अच्छा 1000 और 1100 रुपए के रेंज में आपको पिस्ता मिल जाएगा। अखरोट की गिरी भी आप ले सकते हो, वैसे आपको यहाँ पे अखरोट भी मिल जाएंगे ऐसे साबुत वाले। और ये कैसे देते हो? 400 1 kg। और अगर गिरी ले तो इसकी 700 1 kg। अच्छा तो 700 840 पर केजी। बाकी आप ऐसे ये 400 रुपए किलो भी ले सकते हो, है ना। तो गाइज ये कागजी है, कागजी का मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। सो फ्रेंड्स ये वाला जो जोड़ होता है, इस जोड़ को इस जोड़ से मिलाएंगे और इसको लाइक समथिंग ऐसे आपको करना है। और अगर ये टूट गया तो ये कागजी है, नहीं टूटेगा तो साउंड आ गया और ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ये तो ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। अच्छा यहाँ पे गाइस गोला भी मिल जाएगा, जो कि अभी थोड़े दिन बाद दिवाली के बाद आएगा भैया दूज, और जब बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो ये कैसे देते हैं? 260 रुपए केजी आपको गोला मिल जाएगा। मखाना आपको यहाँ पे 480 रुपीज मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी। और बस अंजीर रह गया है, तो अंजीर का रेट भी पूछ लेते हैं। अंजीर 800 1 kg ना, ठीक। शॉप है अचार 6 रंगा, जहाँ पे आप अचार की वैरायटी ले सकते हो। इसके अपोजिट में ये लगता है स्टॉल, जहाँ की वैरायटी मैंने अभी आपको दिखाई। तो गाइस खारी बाबली में आपको ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जिनके रेट्स बाहर ही लिखे होते हैं, और नॉर्मली 1 kg के आपको रेट्स यही मिल जाते हैं, सेम। तो फ्रेंड्स बहुत सारी शॉप्स आपको मिलेंगी ड्राई फ्रूट्स की, जिनके पास सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही नहीं, मसाले भी सारे मिल जाते हैं आपको। जितनी तरह के मसाले हम अपने किचन में यूज करते हैं वो तो मिलेंगे, उसके अलावा भी काफी कुछ मिल जाता है। तो यहाँ अगर देख रहे हैं तो 740 रुपये आपको बादाम मिल जाता है, 800 रुपये केजी के हिसाब से काजू होते हैं। और बात करें नई गिरी की तो वो 130 है। ये नया ये क्या सांभर क्या रखा? अच्छा सनाक वाले चावल जो व्रत के लिए यूज होते हैं। हाँ तो ये कुट्टू गिरी है जो कि आपको 130 मिलेगी। 140 सनाक वाले चावल है, ये साबूदाना है 120 रुपये। तो ऐसी बहुत सारी वेरायटी है। प्लस मसालों की बात करें तो ये दालचीनी है, सौंफ है। अच्छा ये 40 रुपए का 100 ग्राम है, और ये पानी में घोल के खा पीते हैं, और ये पेट की गर्मी को दूर करता है। मतलब यहाँ पे आपको जो मसाले मिलेंगे ना वो भी ऐसे मिलेंगे जो आपके थोड़े डाइजेशन पावर को अच्छा करेंगे। और ये मुनक्का है क्या? और मुनक्का कैसे है? 800 रुपए केजी, ठीक है। अब मैं शॉप की लुक दिखाऊं अंदर से, तो देख लीजिए ये शॉप की लुक है जहाँ पे सारे प्राइजेस लगे हुए हैं। किशमिश भी आपको यहाँ पे 3 तरह से डिफरेंट मिल जाती है। ये देख लीजिए ये छोटी किशमिश है, लंबे में लेना चाहेंगे तो ये काफी बड़ी किशमिश दिख रही है जो कि आपको मिलने वाली 360 रुपए। और ये वाली थोड़ी सी छोटी है लेकिन थोड़ी सी मोटी है, और ये आपको मिलेगी 400 रुपए किशमिश। और एक और भी है जो कि यही लेंथ वाइज है, और ये मिलेगी 500 रुपए। तो ये सबके अलग अलग प्राइस है, तो इनमें कोई बेस्ट और कोई ऐसे लोअर क्वालिटी वाली भी है क्या? है सारी अच्छी है, ठीक है। तो गाइज ये है एप्रिकोट। अगर आप लोगों के घर में दिवाली पे ड्राई फ्रूट आते हैं तो उसमें ये मिलती है नॉर्मली, कोई वैसे आप खरीदते भी नहीं होंगे शायद। तो ये ड्राई फ्रूट में खुरमानी बोला जाता है, एप्रिकोट है। और ये कैसे रुपए केजी है? 540 रुपीज। तो सर प्राइसेस डिफरेंट वो है आपके, फिक्स है क्वांटिटी पे बेस्ड है? क्वांटिटी नहीं फिक्स होते हैं, लेकिन रेट ऊपर नीचे होते रहते। अच्छा, मार्केट के साथ। अच्छा तो रेट जो है फ्लक्चुएट होते रहेंगे, मे भी शायद थोड़ा सा कम ज्यादा आपको मिलेगा, बट नॉर्मली यही प्राइस रहते हैं। और यहाँ पे गिरी की बात करें तो आपको 1000 1100 1200 में अखरोट वाली गिरी मिल जाती है। तो प्राइजेस जो है सारे ही लिखे हुए मिलेंगे, पिस्ते पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा 1000 रुपीज दिस वन, अच्छा लिखा हुआ है ओके। और इससे ऊपर वाला 1340 जो कि काफी अच्छा भी लग रहा है दूर से देखने में, उसमें थोड़ा रेडिश पन है, पिंकिश। और ये गुरबंदी बादाम होते हैं, सबसे रिचेस्ट होता है। अच्छा तो ये इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है, तो जिनको अगर ऐसे बादाम लेने हैं तो वो ये ले सकते हैं। कितने रुपए केजी देते हैं? 800 रुपीज पर केजी है। इसकी मैं आपको बताऊं तो ये पहचान क्या होती है, ये बहुत छोटा बादाम होता है और लाइक इस शेप में होता है। सो गाइज अभी जो मैंने आपको ड्राई फ्रूट की ये बहुत प्यारी वेरायटी दिखाई है, ये है इनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये शॉप नंबर है 6666 शॉप नंबर है। मंडे टू सैटरडे फुल टाइम के लिए खुली होती है शॉप, सुबह 10:30 से 7:30 बजे तक आप आ सकते हो। संडे को सुबह 10:30 से 4 बजे तक, 4 बजे तक आपको ये शॉप खुली मिलेगी। ड्राई फ्रूट की शॉपिंग आप यहां से कर सकते हो, प्लस आपको यहां पे मसाले भी मिल जाएंगे। सो ये है लोकेशन की जानकारी। 3 रास्ते हैं, सदर बाजार आएंगे तो कुतुब चौक से रिक्शा ले सकते हैं, चांदनी चौक आएंगे तो भी आपको रिक्शा लेके वहां पहुंचना है बताशी वाली गली में, और चावड़ी बाजार से आएंगे तो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से एग्जिट लेके आप
मार्केट में पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था इस मार्केट का लुक। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं आशीष कुकरेती जी, उनके डिमांड पे वीडियो बनाई गई है स्पेशली। एक देहरादून से हैं मेरे सब्सक्राइबर राणा जी, राम राणा जी हैं शायद, तो उनकी भी डिमांड आई थी कि बताशे वाली गली। और बहुत सारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो ऑलवेज मुझे कमेंट करते रहते हैं कि प्लीज़ मैम चावड़ी बाज़ार बताशे वाली गली की वीडियो बनाओ। तो गाइज़ ये वीडियो आप सबके लिए है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। इनकेस कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और बहुत 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 सारा खुश रहिए। बाय।